सफाई कर्मचारी संघ समिति द्वारा महानगर के एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के लोगों ने महानगर के विभिन्न विभिन्न स्थानों से रैली निकालकर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में सफाई कर्मचारियों की जटिल समस्याओं को लेकर 4 सूत्री मांग पत्र मंडल आयोग को सौंपा गया, जिनकी मुख्य मांगे निजीकरण का विरोध, ठेका प्रथा बंद करी जाए, वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना व सफाई कर्मचारियों की उचित मात्रा में भर्ती करना आदि। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रंजीत सिंह काका, नेपाल सिंह प्रधान, हरिओम वाल्मीकि, सुरेश भारती, राहुल सेवन, अमित भारती, रोहित वाल्मीकि, राजीव भारती, सिद्धांत भारती आदि लोग मुख्य रहे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, मंडल आयुक्त महोदय जी के माध्यम से हम 4 सूत्रीय मांग पत्र हम सौंपने जा रहे हैं। नंबर 1, जो देश भर में और प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेका प्रथा किया जा रहा है, इससे जो 10-10 और 20-20 30-30 साल जो आउटसोर्सिंग ठेके पर और क्या नाम है निजीकरण में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनका भविष्य अंधकार में जाने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। और इस महंगाई के जमाने में आज जो ठेके पर काम कर रहे हैं उनको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, जबकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून है माननीय उच्च न्यायालय महोदय। उच्च न्यायालय महोदय जी ने 2 नवंबर 2016 को एक अध्यादेश पारित किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि समान कार्य का समान वेतनवान हनवर मजदूर को मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर हमें स्थायी नहीं किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लागू किया जाए, समान कार्य समान वेतनवान दिया जाए। कोर्ट ने बड़ा चर्य व्यक्त किया कि एक काम की 5-5 मजदूरियां दी जा रही है, किसी को 5,000, किसी को 7,500, तो ये कोर्ट ने आदेश जारी किया है। दूसरी मांग ये है कि आजादी के 72 साल बाद भी दलितों में महादलित वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला है। हमने मांग किया है कि या तो वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण दिया जाए, नहीं तो जो अभी सरकार को सामाजिक न्याय समिति ने जो रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री जी को, उस रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दलितों में हम महादलित वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए। एक और मांग दी है हमने कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी का एक सबसे बड़ा देश में अभियान चल रहा है, लेकिन गांवों के अंदर इसमें बिल्कुल पूरा पतीला लग रहा है। उसका कारण यह है कि एक गांव के अंदर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जबकि एक गांव में 3 सफाई कर्मचारी होना अति आवश्यक है, एक नाली वाला, एक झाड़ू वाला और एक उसको सील्ड को उठाकर फेंकने वाला, लेकिन एक कर्मचारी से पूरे गांव की सफाई नहीं हो रही। शहर में तो स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है, लेकिन गांवों के अंदर कहीं भी स्वच्छ भारत अभियान नहीं दिख रहा है। हमने मांग की है कि एक गांव के अंदर 1-2-3 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, 2-1 कर्मचारी नियुक्त है, 2 सफाई कर्मचारियों को और नियुक्त की जाए। और अगर हमारी मांग को अगर सहानुभूति पूर्वक विचार पूर्वक नहीं माना गया, एक मांग और है कि देखिए बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर विदेशों त्योहारों पे तो राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन रामायण के रचयिता, माँ सीता के रक्षक, लव कुश के शिक्षक, भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर हिंदुस्तान के अंदर अवकाश न होना हिंदू धर्म के साथ साथ में वाल्मीकि समाज के लिए भी चिंताजनक बात है। तो हम ये मांग करने जा रहे हैं चारों मांगों पत्र पर, और अगर हमारी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो पूरे भारत के अंदर 14 अगस्त को, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो विधानसभा लखनऊ की हो या महाराष्ट्र की हो या पंजाब की हो, एक ही डेट में 14 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी 14 तारीख से, और मुरादाबाद में भी यहाँ पर भी मंडल के कार्यालय पे होगी अगर हमारी बात को नहीं माना जाए। इस ये जो आंदोलन है ये सभी सामाजिक और सफाई मजदूरों की जो यूनिट है, ट्रेड यूनियन है, उनको एक करके हमने सफाई संघर्ष समिति बनाई है, मोर्चा बनाया है, जिसका अध्यक्ष रोहित वाल्मीकि को बनाया है और विजय वीर जी को इनका महामंत्री बनाया। आज का कार्यक्रम इन दोनों भाइयों के, हमारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में था। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।